आज अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुका है। डॉक्टर बोले कि 5-6 रोज ऐसे रेस्ट करने के लिए। लोग का स्थिति भी बहुत खराब है, खास करके मेरा जो तबीयत बहुत खराब हो चुका है। देखिए गीता जी, जो भी गलती हुआ है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगता हूँ और हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। मेरा चीनी भी पूरा हाई हो गया है, प्रेशर भी हाई है, ये लेकर के बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, आरती और छोटू के पिता लाइव आकर सबके सामने मीडिया वाले से मांगी है माफ़ी और कहा है जो हमसे गलती हुई है उसको आप लोग माफ़ कर दे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जब आरती के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें बहुत सारे मीडिया वाले गए थे और आरती से कुछ कड़वी सवाल पूछे तो छोटू के पिता जो है वो बहुत गुस्सा हो गए और आरती के जो पति है मनु वो मीडिया वाले से हाथापाई करने लगे। इसी के चलते कुछ पत्रकार जो है, कुछ मीडिया वाले जो है वो आरती के पति मन्नू पर FIR दर्ज कर दिए। इसी के चलते अब छोटू के पिता जो है वो समझते हैं कि किसी न किसी तरह मन्नू को बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसीलिए वो आज सबके सामने लाइव आकर के रो रो कर सबसे मीडिया वाले से माफ़ी मांगी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उमेश यादव और आरती बहुत अच्छी तरह से समझती है कि मन्नू से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो अब सबके सामने लाइव आकर माफ़ी मांग रही। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं उमेश यादव के बारे में? जो मीडिया वाले से उमेश यादव ने माफ़ी मांगी है वो क्या सही किया है? यदि सही किया है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।